बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी तक मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन से हमें खतरा था, मोबाइल फोन के डिस्प्ले से निकलने वाली यूवी लाइट से हमें खतरा था, मोबाइल फोन के वाईफाई ब्लूटूथ जीपीएस एंटीना से निकलने वाले सिग्नल से हमें खतरा था। बट दोस्तों आज एक और खतरा इन मोबाइल फोन्स में देखा जा रहा है, जो कि दोस्तों आपके इन रेडिएशन से, लाइट से, सिग्नल से ज़्यादा खतरनाक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस नए खतरे को और जानते हैं कि हम लोग कैसे इस खतरे से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों मोबाइल फोन की रेडिएशन से आपको कैंसर हो या ना हो, या फिर यूवी लाइट से आपकी आईज खराब हो या ना हो, बट दोस्तों आज मैं जिस खतरे की आपके सामने बात कर रहा हूँ उससे आपको डेफिनेटली नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल फोन एप्लीकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आज एप्लीकेशंस हमारे लिए इतनी खतरनाक हो चुकी हैं कि ये हमारे जो फाइनेंशियल डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, पर्सनल जो हमारे मूवमेंट्स हैं, पर्सनल दोस्तों हमारी जो फाइल्स हैं उन सभी को ट्रैक कर रही है, और साथ में ट्रैक कर रही है कि आप दिन भर में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। तो आजकल दोस्तों एप्लीकेशन कुछ इस कदर तक गिर गई हैं कि आपका जो छोटा सा छोटा जो मूवमेंट होता है उसको ये एप्लीकेशन ट्रैक करती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं ये एप्लीकेशन। दोस्तों यहाँ पर अब होता ये है कि कोई भी छोटा पर्सन जो कि थोड़ा बहुत भी डेवलपमेंट जानता है, कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, कैसे कोडिंग करनी है वो जानता है, वो अपनी एक एप्लीकेशन के साथ आपके सामने आ जाता है। उसका जो मोटिव होता है वो मोटिव ये होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन की ईच एंड एवरी डिटेल को कैप्चर करना, बाद में एक डाटा बैंक बनाना, और अगर कोई कंपनी उनसे डाटा बैंक मांगती है तो उनको काफ़ी महंगी कीमत में ये डाटा देना। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं, और यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली काफ़ी लोगों को इससे नुकसान भी हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आज आपको मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन से उतना खतरा नहीं है जितना कि दोस्तों आज आपको इन एप्लीकेशन से है। तो यहाँ पर अब इसका सलूशन क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों सलूशन यही है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले तो उसको गूगल प्ले स्टोर से या फिर आई ओ एस स्टोर से डाउनलोड करें। आप किसी थर्ड पार्टी से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप थर्ड पार्टी से करते हो तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी चेकअप है वो उतना खास नहीं होता है। यहाँ पर छोटे छोटे से जो मालवेयर कोड होते हैं, एडवेयर कोड होते हैं, ट्रोजन होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो उन एप्लीकेशन के साथ अटैच होते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन में ये सब चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए या फिर आई ओ एस स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, जो भी आपके मोबाइल फ़ोन के लिए सूटेबल है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप गूगल प्ले स्टोर से भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको दोस्तों एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त ध्यान रखना है कि वो एप्लीकेशन आपसे किन किन चीज़ों की परमिशन मांग रही है। जैसे कि कैलकुलेटर, अगर आपसे वो लोकेशन की परमिशन मांगे तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कैलकुलेटर को लोकेशन से क्या करना है? क्या वो आपको प्रिंट आउट निकाल के आपके घर पहुँचाएगा? तो यहाँ पर इस टाइप की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आप बहुत बड़े खतरे से बच पाओगे। और दोस्तों आजकल एक और ट्रेंड चल चुका है डूपिंग का, जिसमें दोस्तों डेवलपर कुछ ऑफिशियल एप्लीकेशंस को कस्टमाइज़ करता है, उस पर अपनी स्किन चढ़ाता है और आपको देता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको मोबाइल बैंकिंग करनी है, यूपीआई करना है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर, आई स्टोर पर मिल जाएंगी, जिसमें दोस्तों जो ऑफिशियल ऐप है उस पर कुछ कस्टमाइजेशन की जाती है, कुछ यहाँ पर स्किन में चेंज किया जाता है और आपको दे दिया जाता है किसी थर्ड नाम से। तो यहाँ पर अगर आप उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो वो आपको ऑफिशियल बैंकिंग साइट पर ले जाती हैं, और वहाँ पर दोस्तों आप अपनी ट्रांजेक्शन करते हो। यहाँ पर होता ही है कि बैकग्राउंड में वो आपकी सारी डिटेल, आप क्या यहाँ पर टाइप करो, क्या पासवर्ड डालो, क्या यहाँ पर पिन डालो, वो सब कुछ ट्रैक करता रहता है। और दोस्तों यहाँ पर आपके साथ इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर डूपिंग ऐसे नहीं, डूपिंग दोस्तों आजकल ऑफिशियल जो एप्लीकेशन हैं गूगल की, जैसे कि मैप एप्लीकेशन की, उस पर भी की जाती हैं। यहाँ पर आपको ट्रैकिंग के नाम पर, जीपीएस के नाम पर बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, जो कि दोस्तों एग्जैक्टली बैकग्राउंड में
गूगल मैप्स को चला रही हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको बार बार बीच में ऐड दिखा रही हैं ताकि वो अपना काफ़ी मोटा पैसा कमा पाए। आपको कहते हैं कि आप ऐड देखिए तभी आप ट्रैकिंग को कंटिन्यू कर पाओगे, या फिर आप अगर इस ऐड को स्किप करना चाहते हो तो आप कुछ इतना पे कर दीजिए वन टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से वो पैसा कमा रही हैं, चाहे दोस्तों आपको ऐड दिखा रही हूँ, चाहे दोस्तों आपसे कुछ पैसा मांग रही हूँ, चाहे दोस्तों आपके बैंकिंग डिटेल को वो कॉपी कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस टाइप की एप्लीकेशंस आपको ऑफिशियली गूगल प्ले स्टोर और आई स्टोर पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते वक्त ये भी जरूर देखें कि किस डेवलपर की वो एप्लीकेशन है। लेट्स सपोज अगर आप SBI की बैंकिंग ऐप को डाल रहे हो तो क्या वो SBI नहीं बनाई है, उसका जो डेवलपर है वो SBI है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को भी देखना होगा, नहीं तो दोस्तों आपकी जो बैंकिंग डिटेल है, आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल है, आपकी जो पर्सनल डिटेल है, वो सब चले जाएगी इन डेवलपर के पास। और बाद में दोस्तों ये डेवलपर फ्रॉड कर सकते हैं, आपका जो बैंक अकाउंट है उसको खाली कर सकते हैं, और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सेफ रहना है आजकल के इस एप्लीकेशन वाले ज़माने में, तो डेफिनेटली आपको सोच समझ के एप्लीकेशन को डालना होगा। तो यहाँ पर जिन एप्लीकेशन को आप ट्रस्ट करते हो उन्हीं को आप डालें, कोई थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने की ना सोचें। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसको देख परख के इंस्टॉल करें, रिव्यू पढ़ें, साथ में पढ़ें कि किस डेवलपर की वो ऐप है, वो आपसे क्या क्या परमिशन मांगती है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आज आप इस एप्लीकेशन के ज़माने में फ्रॉड होने से बच पाओगे। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अगर आपको बचना है। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाए कि उनको सावधान रहना है एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते वक्त और यूज़ करते वक्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।